हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शाविस। मोहम्मद इनायत। मोहम्मद इनायत क्या है? ना, खुजली हो रही थी, खुजली होती है नेचुरली। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं भूल भुलैया 2 के ट्रेलर के ऊपर। इसके टीजर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था। ओके, फाइनली हम लोग यहाँ पर पता चलेगा हम लोगों की इस बार क्या किया है कमाल इन लोगों ने, जिसमें कार्तिक आर्यन, के आर आडवाणी एंड तब्बू इन द लीड रोल, और अनीस बाज़मी ने इसे डायरेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए। फॉर मोर एंटरटेनमेंट फॉलोज इंस्टाग्राम से लीडर्स हम दिए हैं। वेरी क्विक पंद्रह साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। मैं भी हूँ। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। काला जादू करने वाली। I can see dead people. बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूँ मैं। वहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देखो, मनुष्य से बात करो। आपके पीछे जो दो आत्माएं खड़ी है उनसे बात करो। तुम बहुत बुरी लगने लगी। मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। इससे तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जा, तो कम से कम वहां पे बेइज्जती के पैसे तो मिले। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है। रुहान, जब से यहाँ आया हूँ मंजुलिका मंजुलिका सुने यारो, कमिंग टू गेट यू मंजू। मंजुलिका कैसे हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों की फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। मंजुलिका बाहर आ गई है, उसने मुझ पर हमला किया। अब भी मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में है। तो भागते हैं? हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं है। हाँ तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते हैं। Sarjit Singh's voice, man, oh my god. Yeah. Just wait a minute, I just want to see the VFX and okay, Rachel Lee's ne kiya hai. Okay. Not great names yahan pe. I think Rachel Lee's ne hi VFX kiya hai, because aise movies mein VFX ka bahut zyada matter karta hai. Netflix aur Max iske ye hain. Jaldi se jaldi ye bata dete hain ki bahut hi acha trailer hai aur expectations zyada hai mere, and it looks like it has something. क्योंकि आई डिपेंड आई बिलीव इन व्हाट इज नेम कार्तिक आर्यन्स का माइंड सेट है, जो वो जो अच्छे सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं वो, तो आई थिंक उसके ऊपर मुझे याद आया। ऊपर है सी, मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने इसके ट्रेजर रिएक्ट किया था, उसके बाद जब मैंने इसके नीचे देखा तो डायलॉग्स इसके लिखे गए थे फरहाद सामजी की तरफ से, तब मुझे बहुत धक्का लगा, दिल को धक्का लगा, बिकॉज फरहाद सामजी का रिसेंट वर्क बहुत ही ख़राब गया है। बट स्टिल यहाँ पर उतना जो यू नो क्रिंज टाइप का डायलॉग्स आते हैं उस तरीके के नहीं थे यहाँ पर। अच्छा गया, दिया गया ह्यूमर, एंड आई थिंक थोड़ा इन्होंने एक्सपैंड भी किया, बिकॉज इस टाइम पर सिर्फ लड़कियों पर भूत का असर नहीं दिखाया इन्होंने, कार्तिक आर्यन पर भी दिखाया। लास्ट का जो लिपसिंग था अरिजीत सिंह का, वहीं पर हमें लगा।
सो वीएफएक्स अच्छे थे, ऐसा नहीं कि द ग्रेट, बट क्या फिल्म देखने के बाद हमें पता चलेगा कार्तिक आर्यन इज डन अमेजिंग जॉब. यहाँ पर दिख रहा था कि वो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है. ऑल्सो इज डांस मूव्स डेफिनेटली, इसकी म्यूजिक तो बेस्ट होने वाली है बिकॉज दैट भूल भुलैया का ट्रैक वो वाइब आ रही थी. लव के जब वो इतने सालों से हमने उसका फीमेल वर्जन ही सुना है, बट पहली बार बचपन से सुना है. और वक्त तो ऐसा था कि वो जो भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक वो लूप पे चलता था हमेशा. सो इट्स अमेजिंग थिंग. एंड तब्बू हैड एन अमेजिंग जॉब, तब्बू का दिख रहा था वहाँ पर. बट स्टिल लेट्स होप कि क्या होगा. एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, लेकिन अनीस बाजमी का रिसेंट दो फिल्मों का एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, एंड फरहाद सामजी का, अनीस बाजमी का पागलपंती, वेलकम बैक. उनके हाथ में जब भी कोई एक अच्छा फ्रेंचाइज आता है तो वो ख़राब कर देते हैं. यू नो, समझ गए, पागलपंती, वेलकम बैक, वेलकम थ्री का उन्होंने शायद थर्ड पार्ट शायद थी नहीं, वो भी उन्होंने रून कर दिया था. सो लेट्स सी के इस बार क्या होता है. बट अनीस बाजमी इज अ ग्रेट डायरेक्टर, लेट्स सी के वो इस बार क्या जलवे दिखाते हैं. आई थिंक भूलभुलैया वाज डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन. First was directed by Priyadarshan, so and we cannot actually we cannot relate both these directors because Priyadarshan is belongs to some other league and Anish Bajmi belongs to some other league. Of course, he has given a lot of hits. Again, अच्छे से entertain किया है लोगों को, but अभी इस ज़माने में old school direction का इस ज़माने में कैसे वो उसको apply करके वही इस चीज़ create कर दें, क्योंकि अभी audience का taste बहुत ऊपर पहुंच चुका है. ऊपर चला and it has taken a huge leap. बहुत लंबी लीप है, वहां तक पहुंचना इट्स डिफिकल्ट. और ये जो कॉन्सेप्ट है मंजुलिका का और ये भूल भुलैया का, इट्स अर्ली 2000, वो भी छोड़ दें तो अगर हम रजनीकांत की बात करें तो इट्स 90s एंड का टाइम था वो. ओके, तो उस चीज को इन्होंने फिर यू नो एक रीमेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वक्त का गैप मिल चुका है. अगर ये 10 में या 9 में या 8 में आती तो अलग बात थी, लेकिन इस बार उन्होंने किया है तो उनको इस जनरेशन के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो ये पिटेगी. आई थिंक लास्ट की जो मूवी आई थी कौन सी, तो भूत पुलिस जो आई थी, उसमें एक्सपेक्टेशंस मेरे ऐसे ही थे, लेकिन ये टर्न आउट टू बी, हां, जो कार्तिक आर्यन का जो भूत को देखने का टाइम, नहीं भूत पुलिस जो आई थी ना मूवी, नहीं नहीं भूत पुलिस में भी वही था कि वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग आत्माओं को देख सकते हैं, बट वो एक्चुअली नहीं दे सकते. बेसिकली तो सिमिलर लग रहा था, वही डार्क थीम लग रही थी. बट अगेन ऑल माई आईज एंड ऑल माई होप्स ऑन कार्तिक आर्यन एंड हिज सिलेक्शन. Because he might have seen something good in this, that's why he selected this. Because Akshay Kumar ko replace karke inko lena aur yahan pe, you know. Aur is bhi maine ek meme padha tha ki Akshay Kumar ki jitni bhi hit franchise hoti hai, wo use kharab kar dete hain. Okay, jaise ki Namaste London tha, Namaste England mein unhone uski band bajayi thi, Welcome tha, Welcome Back uski band. No, but again, let's hope for the best yahan pe. But still, trailer bahut acha dikha mujhe, trailer pasand aaya, and let's see ki kya hota hai. सो या ये था हमारा रिएक्शन भूल भुलैया 2 की ट्रेलर के ऊपर. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें. फॉलो अस इंस्टाग्राम, इसके डिटेल्स हमने दिए हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिंग नोटिफिकेशन बेल. दिस इज मोर शाविस साइनिंग ऑफ.